आप लोगों ने काफी वाटरफॉल वगैरह देखा होगा, सामने हमारा स्नोफॉल हो रहा है, फट चुकी है। हाँ, ये इसकी फट चुकी है। और ये दो भाइयों की पूछ ले, फटी है क्या इसलिए अभी फटी आगे रास्ता बंद है, देखो तो कहाँ से जाओगे? जूतों के अंदर आ गया सर, हम लोगों को कोई भी रूट नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा किस साइड से जाएं। अरे यार, ये एक्सपीरियंस इतना भी खतरनाक ना हो जाए कि खुद को दिक्कत हो जाए जाने में। सो गाइस, हमारा सिक्का उछालने के बाद ये फाइनल हुआ है। मेरा पूरा मन था जंस्कार वैली का, और हमारे अरविंद भाई का था, आवाज़ नहीं आई, स्पीति बोल रहा है वो। हाँ हाँ, आ गई आ गई, स्पीति का प्लान। तो हम लोगों ने फाइनली डिसाइड कर लिया, हम लोग जा रहे हैं स्पीति वैली, तो इसको एक्सप्लोर करेंगे ढंग से। गाइस, हम लोग एक्साइटमेंट में मनाली से निकल तो आए हैं, यहाँ से 35 किलोमीटर एक्स्ट्रा आने के बाद तब समझ में आ रहा है कि गाड़ी में पेट्रोल तो है ही नहीं, बहुत ज़्यादा कम पेट्रोल है, बाताल तक पहुँच पाएंगे या नहीं, उसके बाद तो काफ़ी कुछ करना है यार। अब देखते हैं, कहीं ओपन पेट्रोल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को बाताल के बाद चंद्रताल जाना, चंद्रताल के बाद कुंजुम पास जाना है, उसके बाद हम लोगों को काजा जाना है। काजा में ही पेट्रोल पंप मिलेगा और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, पेट्रोल बिल्कुल है नहीं। देखो यार, कहीं ना कहीं ओपन पेट्रोल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो लगी हो रही है हम लोगों की। तो ये पेट्रोल है या हनी है? ये तो हनी है सर। हनी है। पेट्रोल मिलेगा कहीं आगे? कितना दूर मिलेगा पेट्रोल? तो आप मनाली से ही भर के लेना चाहिए। पता है, पता है, बस थोड़ा ओपन नहीं मिलेगा, ओपन पेट्रोल आगे कहीं नहीं मिलेगा। पता है, पहाड़ों में काम मिलता है। चलो देखो, ट्राई करते हैं। 1 hour later. तो गाइस, मनाली के बाद तो पेट्रोल फिल नहीं करा पाए, सो हम लोग शॉप पर आए तो 150 का दे रहा है भाई, यहाँ तो यार मनाली के नियर बाई इतना दे रहे हैं। चलो डलवा लेते हैं, डलवा लो। ऐसा लगता है पूरा इंडिया मनाली आया हुआ है घूमने के लिए। क्या करें, मना कर रहा, अप्रूवल नहीं दे रहा यार। यहाँ पे बहुत बड़ा स्यापा हो गया, यहाँ पे हम लोगों को जाने के लिए आगे मना कर दिया, क्योंकि यहाँ की जो एंट्री टाइमिंग थी वो 2 बजे की थी, यहाँ पे हम लोग आने से थोड़ा लेट हो गए हैं, और भी राइडर्स को ये लोग लौटा रहे हैं। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, यार बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं, अब लौटने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अब देखो क्या होता है, मुझ कुछ नहीं आ रहा यार बिल्कुल भी। थोड़ा ही बड़ा ही ज़्यादा, वो बोल रहा है कि ये मनाली से रास्ता आता है रोहतांग पास का, मनाली रोहतांग का, फिर लोग उतरते हैं नीचे, वेयर वी आर राइट नाउ दिस इज ग्रम्फू, यहाँ से उतर के फिर ये है रास्ता जो काजा स्पीति जाता है, यही जाता है ना? हाँ, यही है, और कोई रास्ता नहीं है। तो फिर चले, चलो अच्छा करना बाइक कहाँ पे? हमारी तो नीचे लगी है यहाँ। हम लोगों को परमिट नहीं मिल रहा, हम लोग जा रहे हैं सीधे काजा के लिए, और ये टोटली ऑफ रोडिंग है, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग बढ़ेगा। और ये परमिट टाइम है जो अलाउिंग करते हैं ना निकलने के लिए, वो टाइम और डिसाइडेड है इनका, समथिंग आपको 2 बजे तक नून टाइम में आपको अलाउ करेंगे, मॉर्निंग में 9 बजे या समथिंग ऐसा ही कुछ, 9 बजे के बाद। रोहतांग पास के लिए ऊपर से रूट जाता है, रोहतांग पास जाने में इंटरेस्ट था नहीं, सो मैं जाऊँगा नहीं। और हमारे कुछ फ्रेंड्स वगैरह बोल रहे थे, मुकुल हुआ और हमारा मोहित भाई, मोहित नागर, के सजेशन ये था कि शिमला से जाना, बट मेरा मन था कि यहाँ से जाना, क्योंकि एक्सट्रीम रूट पहले स्टार्टिंग मिल जाते हैं, जो ब्यूटी होती है मुझे वो चाहिए पहले, सिंपल रूट मुझे ज़्यादा खास नहीं लगता, क्योंकि फिर लास्ट में जब रूट एंड होता है ना, तब आपका एडवेंचर और आपका विल पावर सब स्लोली स्लोली लूज होने लगता है आपकी थकान की वजह से। A few moments later. गाड़ी नहीं जाएगी आप लोगों को नहीं पता था 2 बजे तक होता, कोक्सर में रूम लो, मॉर्निंग 8 बजे निकल जाना, मैं नहीं भेजूंगा तो भाई 802 जब बोला हुआ है तो फिर क्या मजाक है। आपको बता दिया, समझ आ गया सभी को? आप अरे करो सुनो, वो माँ के पीछे लेके जाऊंगा भाई, वो जाने देगा नहीं भैया। यहाँ पे तो कुछ लोगों को जाते हुए देखने के बाद हम लोगों ने पैर पकड़ लिए, गिड़गड़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम लोगों को भी आगे निकलना है भाई। जब एक दो लोगों को परमिशन दिया ना, तो हम लोग भाई लगा होप है निकलने के लिए, नहीं इतना वापस जाना पड़ेगा, इतना पैसा बर्बाद होगा, सबसे बड़ा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अगर इन्होंने लौटा दिया ना, पूरा आज का दिन वेस्ट हो जाएगा, फिर हम लोग कल दोबारा निकलेंगे,
भाई बहुत मुश्किल से इनको कन्विंस कर रहे हैं, अब जाके माने हैं तो अब हम लोग निकल रहे हैं फाइनली यहाँ से। हम लोगों को समथिंग समथिंग 6 आवर या कुछ समथिंग कुछ ऐसा ही पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा बढ़ा के हम लोग निकले हैं वहाँ से, क्योंकि देखो जो भैया थे सिक्योरिटी में पुलिस में सही बोल रहे थे, सही के लिए बोल रहे थे, बट मुझे लग रहा था, बट देखो हम लोगों के लिए कितना बुरा होता है देखते हैं। अच्छा आ गया होगी, उसने तो घूस के लाई होगी साले, देख लिया रूट ठीक है। आगे बताल बताल चलो चलो चल रहे। हाँ मैं लीड कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है। कितना दूर रह गया मेन हाईवे? पास में है, नियर बाय है, बहुत नियर बाय है। कितना टाइम आपका फिनिश हो गया? हम लोगों ने स्टार्ट किया अभी तो। बुरा हाल हो गया यार, सुधा कितना टाइम लगा? कितना कादा से इतना बुरा हाल है ना, पूछो मत। बेकार जवाब, बेकार चलेगी यहाँ पे आपको समथिंग 5 किलोमीटर अप्रोक्स, बस 5 किलोमीटर लगेंगे यहाँ पे, तुम नहीं चला पाओगे। गाइस कादा के रास्ते में ये वाली स्नो है, इसी को रिमूव करने के लिए शायद मे भी ये हुआ था। एक चीज है लद्दाख स्पीति अपने जंस्कार, कहीं पर भी जाओ अगर आप लोगों को इंसानियत चाहिए ना तो आपको इंसानियत पता जंस्कार हुआ स्पीति यहाँ पे देखने को मिलती है। अभी ये भैया कार वाले पिकअप वाले जा रहे थे, हम लोगों को चलते हुए देखा तो उन्होंने बोला कि आप लोग थोड़ा लेट निकले हो, आपको दिक्कत हो सकता है, तो आप एक काम करो हमारे पीछे पीछे आओ। और उस तरीके से ये लोग स्लो भी हो जाते हैं, हमारे साथ 2 बुलेट भी है, थंडरबर्ड और मीटियोर वगैरह है, तो साथ में वो भी चल रही है। अरे भाई आप लोगों ने काफी वाटरफॉल वगैरह देखा होगा, सामने हमारा स्नोफॉल हो रहा है। अच्छा लग रहा है, मन तो कर रहा है स्कीइंग करें इस पे, पर क्या करें किस्मत मेरे बम घिस जाएंगे। आ गए हमारे भाई लोग, तो फाइनली हम लोग इतना दूर आने के बाद स्नोफॉल फाइनली बंद हो गया है, और जो हमारे नए राइडर्स हमारे साथ ऐड ऑन हुए हैं उनसे मिला देता हूँ। तो ये बड़े वाले भैया से मिल लो सर। हाय गाइस, व्हाट्स अप, पीस आउट। निनाद निनाद, आपका अभिषेक। अभिषेक भाई वैसे हम लोग अभी रिसेंटली मिले थे, और सिचुएशन जब ऐसी हो जब सोलो राइड कर रहे हो दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है, तो कभी कंपेनियन अगर मिल जाते तो अच्छी बात है। तो जैसे कि मैंने बोला स्नोफॉल था, वाटरफॉल नहीं था वो, हाँ स्नोफॉल था। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो जा रहा है ये पूरा स्नोफॉल है। अब फाइनली फेस कैम वगैरह करता रहूँ क्योंकि अभी तक हेलमेट उतारने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि हेलमेट उतारने लायक कोई सिचुएशन जगह नहीं थी यार। अरविंद भाई को देखो भाई, चश्मा ले लिया लड़के ने, ओ ये स्वैग। और हमारे भाई अभिषेक भाई और हम लोग भाई, इतनी वाटर क्रॉसिंग मिल रही है कंटिन्यू, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार। अल्लाह बोलना हुआ और यहाँ मिलना हुआ, अरे भाई किस्मत है चलो। अरे भाई साहब बहुत गहरा था यार, जूतों के अंदर आ गया सब। मज़े आ गए भाई, ये क्या था, मेरी गाड़ी आधी अंदर थी पानी में, डल गई और क्या। ऑफ रोडिंग करने में इतना मज़ा आ रहा है, मैं सच बता रहा हूँ ईमानदारी से गाइस, फाड़ मज़े हैं। और टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, मेरा लेफ्ट शू ऑलरेडी पूरा वेट हो चुका है, एक जगह तो मेरी गाड़ी पूरे अंदर घुस गई थी। तो सारी चीज़ बढ़िया है, फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं सब लोग, इन्जॉय कर रहे हैं। तो ट्राईपॉड वगैरह लग रहा है फोटो वगैरह लेने के लिए। अगर आप बाइक राइडर हो और इतनी बड़ी राइड करने के लिए आए तो पहले विल पावर स्ट्रांग करो, देन आप राइड करो, क्योंकि आपकी, मैं वो लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, आपके नीचे से फट जाएगी। मेरी फट चुकी है।
हाँ ये इसकी फट चुकी है। और ये दो भाइयों की पूछ ले फटी है कैसे लिया अभी फटी बम की फट गई है तो सो आप लोग समझ सकते हो अगर आप लोग रिस्क लेने में दम है आपके अंदर करने में तो आओ। और ये वाला रूट समथिंग हम लोग काजा तक ऐसे ही मिलने वाला है ना 150 किलोमीटर आप लोग अप्रोक्स मान के चलो। आए, आए, क्या नजारा है यार भाई फट्टे मजे आ रहे भाई फट्टे मजे। अरे यार गाइस कैमरा जस्ट इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि यहाँ पे आइस बहुत ज़्यादा है, गाड़ी निकलेगी तो दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगी। और भाई सोलो हो तो भाई स्पीति की राइड सोच समझ के करना। तो आगे रास्ता बंद है देखो। कहाँ बंद है? तो कहाँ से जाओगे? आगे देखते हैं। अरे इधर रास्ता ज़्यादा सही है गाइस, यहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रही गाड़ी। हम ये देख रहे हैं रास्ता कैसे जा रहा है। वहाँ तक चल के देखना पड़ेगा, रात में दिक्कत ना कर लूँ मैं अपने लिए भी। गाइस हम लोग कोई भी रूट नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा किस साइड से जाएं। अरे यार ये एक्सपीरियंस इतना भी खतरनाक ना हो जाए कि खुद को दिक्कत हो जाए जाने में। ये रूट शायद मे भी ये वाला रूट सही होगा। हाँ ये वाला रूट ठीक है। ओ भाई खुद के धुआं निकल गया था, डर गया था यार मैं, बहुत सच में बहुत ज़्यादा डर गया था यार। क्यों नीचे उसकी डाटा केबल नीचे गिरी पड़ी। कंफ्यूजन हो गया था रूट कैसे चलेगा। भाई बच गए, किस्मत अच्छी थी। मैं तो एक पल के लिए डर गया था, पता गिव अप नहीं करना चाह रहा हूँ बस किसी भी चीज़ को लेकर। मैं गिव अप करूँगा भी नहीं, मैं करूँगा यहीं से ही पूरा स्पीति ट्रिप में पूरा सर्किट लूँगा और ऐसे ही लूँगा। जब आपको सिचुएशन का पता नहीं होता है कंक्लूजन क्या निकलेगा तो एक सरप्राइजिंग मोमेंट होता है। हमारे साथ सडन अभी जो चीज़ हुई आइसबर्ग के पास भाई फटके 50 हो गई इतना समझ लो। मैं सोच रहा था मुझे वापस जाना पड़ेगा कि मतलब यहाँ रुकना पड़ेगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। एक डर जो नहीं होता है कि अब जाएंगे कहाँ, स्पीति में पूरा सोलो है इस टाइम पे तो कोई है भी नहीं। जो भाई लोग थे वो लोग आराम से आ रहे हैं रुक रुक के, तो मुझे लग रहा है वो लोग वहीं पर स्टे करेंगे, मे बी वो नहीं कंटिन्यू नहीं कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अपने तरीके से। और देखिए अब पूरे रूट में अब हमें कोई कंपनी वाला मिला है जो हमारे साथ चल रहा है, अदरवाइज तो कोई भी नहीं था। A few moments later. Guys, हम लोग बाताल में आ चुके हैं, बाताल में हम लोग स्टे करेंगे और सही टाइम पर आ गए हैं। हम लोगों को माउंटेन्स वगैरह सब कुछ दिख रहा है, बट यार रास्ते में काफ़ी ख़तरनाक रूट था। मेरे बालों की बैंड बजी हुई है, हमारे अरविंद भाई हमारे हेलमेट में और जूते पूरे गीले हुए, ऐसा ठंड लग रहा है कि पैर जम जाएंगे मेरे। अब स्टे वगैरह का मैनेज करते हैं, देखते हैं। बाताल में जो मोस्ट फेमस ढाबा है जो स्टे पड़ता है चाचा चाची ढाबा, तो हम लोग वहाँ पर आ चुके हैं और सामने वो भी हैं। हाँ देख लिया, अगर दूसरा कोई खा ले तो आप बता दो कौन सा खा ले। सामने वाला चलो भैया, सोच के कुछ आए हैं कर कुछ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। हम लोग अपना रूम स्टे वगैरह देखने आए हैं। अच्छा दो लोगों के लिए है। हाँ लोग आ गए हैं अंदर कुछ खाने के लिए और ये हमारा बाताल का चाचा चाची ढाबा है। और मैंने अभी कुछ नहीं पहना क्योंकि मेरे सॉक्स पूरे गीले हो गए, तो मेरे पैर को सुखाना है क्योंकि मेरी हालत डाउन है। ये हमारे चाचा जी खाना वगैरह हो चुका है, हम लोग बाहर आए हुए हैं। यहाँ पर जो नज़ारे हैं माउंटेंस वगैरह के तो इतने ज़्यादा एक्सट्रीमली ऑसम है कि मज़ा आ रहा है। सच बता रहा हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़, अगर आपने प्रीवियस मेरे ब्लॉग नहीं चेकआउट किए हैं तो आप उसमें मैंने बोला है कि लाइफ बहुत छोटी है, आपको हर पल को एंजॉय करना चाहिए, कभी क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है पल को जियो। हर किसी का सपना होता है, किसी का छोटा होता है कोई का बड़ा होता है, जिस तरीके से होता है। एडवेंचर करना चाहते हो, मैं कहता हूँ वन टाइम विजिट तो पक्का है, लद्दाख स्पीति पेंगोंग लेक ये सब चीज़ें
जंस्कार, सच पास, ये सब जगह वन टाइम विजिट तो है। इस रूट पर मुझे कोई बोलेगा कि बुरा रूट था, बहुत मस्त था यार, एडवेंचरस था एक्सट्रीम तरीके से, मतलब सस्पेंस से भरा था, डेंजरस था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था एक पल पे। और जिस तरीके से हम लोगों ने राइड वगैरह किया बहुत मज़ा आया, मतलब मैंने जो क्रूज़ किया है 45-40 पे किया, ट्रस्ट मी, इतना आपको चलाने में ही बाइक बहुत दिक्कत देगी, सस्पेंशन दिक्कत दे सकते हैं या आपकी राइडिंग स्टाइल दिक्कत दे सकती है। अरे क्या ज्ञान की बातें दे रहा हूँ, इतना समझो मज़ा आ गया। अरविंद भाई की फटी पड़ी है ना अरविंद भाई, बहुत ज़्यादा। अरविंद भाई के लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, आज जल्दी यहाँ पर पहुँच गए, थोड़ा घूम रहे हैं और कॉल वगैरह नहीं लग रहा है। मनाली से अगर निकलते हैं तो रोहतांग पास से पहले आपके नेटवर्क हो जाएंगे लुल, उसके बाद आपको सीधे काजाम जाके नेटवर्क मिलेंगे। सो आप लोग सेफली राइड कीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा और घर पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा।